अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कोकोनट ऑयल जो है ना वो चेहरे के धब्बों को दाग को मिटा देता है और साथ ही साथ चीनी है ना वो बहुत ही अच्छा स्क्रबर है और कॉफ़ी से ना चेहरे में बहुत अच्छा निखार आता है, चेहरे में गोरापन आता है। तो आज के इस वीडियो में ना इसी इंग्रेडिएंट से बहुत ही एक पावरफुल रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। इंशाल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह के करम से। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया है। अभी ठंड का मौसम आ रहा है, लगभग आ ही चुका है, तो उससे ना हम लोग के त्वचा जो है, स्किन जो है बहुत ज़्यादा ना एकदम रफ हो जाता है और त्वचा में हमारे स्किन में ना थोड़ा सा भी मतलब कि ऑयलीनेस या फिर सारे जो मॉइस्चर है ना वो आहिस्ते आहिस्ते करके धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगते हैं। तो उसी को हम लोग लॉक करने के लिए एक रेमेडी बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने ले लिया था इसमें शुगर ले लीजिए। अगर चेहरे पे लगा रहे हो तो शुगर को पीस करके लीजिएगा, उसका पाउडर। और अगर आप लोग ना हैंड वगैरह में लगाना है या लेग में लगाना है, फीट में लगाना है, तो आप लोग एज इट इज़ शुगर ले लीजिएगा। उसके बाद इसमें हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। कोई ख़ास ऑयल की ज़रूरत नहीं है, जो ये होता है ना घर में जो रेगुलर कोकोनट ऑयल होता है ना सर में लगाने के लिए, हेयर में जो हम लोग लगाते हैं, जस्ट वही ऑयल को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। अगर 1 टीस्पून हम लोग शुगर लेंगे ना तो ऑयल को भी 1 टीस्पून ही ले लेना है। उसके बाद हम लोग कॉफ़ी पाउडर यूज़ करेंगे। कॉफ़ी का जो पाउडर फॉर्म वाला जो कॉफ़ी होता है ना, जस्ट वही आप ले लीजिएगा और आधा चम्मच के लगभग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद कॉफ़ी पाउडर जो है, मैंने ये पाउच रखा था तो अभी कॉफ़ी पाउडर इसमें मैं पाउच से ही, इसी पाउच से, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है ना, तो इससे थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूंगी। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ऐड कर देना है, करने के बाद अच्छे से मिक्सअप कर देना है। मिक्सअप करके ना इसे 5 मिनट के लिए एज इट इज़ छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से सारा मिश्रण जो है ना अच्छे से बन करके रेडी हो जाए और आपस में अच्छे से मिल जाए, मिक्सअप हो जाए। तो इस तरीके से रख दीजिएगा। उसके बाद इसके यूजेस मैं आपको बताऊँगी। इसे आप डेली कर सकते हैं या फिर आपका स्किन अगर करने के बाद ना इसको इस्तेमाल करते करते एक हफ्ता रेगुलर इस्तेमाल करना है, डेली इस्तेमाल करना है, एक हफ्ते के बाद आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। वन यूज़ में ही आप इसका रिज़ल्ट देख लेंगे। और अगर आपको मतलब आपका स्किन ज़्यादा रफ़ है ना तो आप एक हफ्ते के बाद इसका रिज़ल्ट देखेंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है ना, एक दिन गैप दे दे करके ये रेमेडी को यूज़ कीजिएगा। ठंडे में तो ऐसे इस्तेमाल कीजिएगा और हाँ, गर्मी के भी मौसम में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज़ हम लोगों के स्किन में ना जब बाहर निकलते हैं तो टैनिंग हो जाता है, तो इससे टैन भी ख़त्म होता है। तो देखिए इस तरीके से रब करके कर लीजिएगा। और बार बार बता रही हूँ, ये मैंने चीनी जो है ना मोटा वाला थोड़ा सा ले लिया है, बिकॉज़ हैंड और फीट में लगाना था तो मोटा चीनी चलेगा, लेकिन आपको अगर फेस में लगाना है ना तो एकदम महीन वाला चीनी लीजिए, नहीं तो आप चीनी को ना पाउडर कर ले, जी हाँ, थोड़ा सा उसे ग्राइंड कर ले तो उसका पाउडर फॉर्म में वो बन जाएगा, उसे ही लगाए। क्योंकि स्किन जो हमारे चेहरे का होता है ना बहुत सेंसिटिव होता है, तो उससे प्रॉब्लम आ सकता है ऐसे ही कड़ा वाला चीनी, जो हार्ड वाला चीनी होता है वो देने से। इसलिए शुगर को थोड़ा सा आप लोगों को कर लेना है मिक्स, मिक्सी में उसे आप लोग ग्राइंड कर लें। और देखिए थोड़ा ही से मैंने इसे रब किया है, सारे डेड स्किन्स जो है ना, जो डेड स्किन्स हमारे चेहरे पे होते हैं या फिर हाथ पैर में होते हैं ना, वो बहुत ही ईजिली ये स्क्रबर से निकल जाते हैं। और हाथ देखिए बहुत ही चमक सा रहा है, बहुत ही चमकदार हो गया है। तो आप लोग अगर चेहरे में करेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आप लोगों को। तो कैसा लगा आज का रेमेडी? होप करती हूँ आज का रेमेडी आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना तो अपनी प्यारी बहन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर चैनल में न्यू आए हैं या फिर पुराने भी हैं ना तो कमेंट्स करके ही जाइएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।